ओके सो यहाँ में ऑलरेडी फिल्म रिलीज हो गई है और रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिल रहा है. फाइनली एक रिलीव वाली सांस लेने को मिली है कि मतलब चलो लोगों को पसंद आ रही है फिल्म एंड फाइनली रिलीज हो गई है इसकी. नहीं सांस तो आई थिंक और भी ज़्यादा कम आ रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम जो पोस्ट सक्सेस का भी एक अपना एक उसमें भी मज़ा है क्योंकि इसमें भी और दोबारा से आप सबसे बात करने को मिलता है टू शेयर द एक्साइटमेंट और हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि फिल्म तो पता था कि एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई है अमर ने पर इस तरह से जब रिस्पॉन्स मिलता है विच शोज इन बॉक्स ऑफिस नंबर सिर्फ 3 दिन में ही आई थिंक इट्स डूइंग इट्स डन रियली वेल. जिस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं वीडियोज लोग शेयर कर रहे हैं थिएटर से कॉल्स एंड एवरीथिंग इट इज़ वेरी वेरी ओवरवेलमिंग. एंड एज यू सेड कि मैसेजेस आ रहे हैं अभी तक बेस्ट कॉम्प्लीमेंट किसका आया है फैन बहुत बहुत सारे. इनफैक्ट काफ़ी चीज़ें मैं पोस्ट भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि यू डोंट वॉन्ट टू गिव आउट स्पॉयलर्स जिन लोगों के जिन्होंने देखा नहीं है पर बहुत अच्छा लग रहा है स्पेशली जो लोग बोल रहे हैं कि हम कनेक्ट कर पा रहे हैं फिल्म से एंड वी फील इट एंड द मैसेज ऑफ द फिल्म इज़ सो राइट तो बहुत अच्छा लग रहा है. काफ़ी लोगों को बहुत हंसी भी आ रही है एंटरटेन भी हो रहे हैं. मेरे लिए बिल्कुल ही एक डिफरेंट रोल है फॉर द फर्स्ट टाइम एंड जिस तरह के का रिस्पॉन्स मिला आई थिंक आई एम रियली रियली हैप्पी दैट आई गॉट टू प्ले परी एंड द टिकटॉक क्वीन. सो सो आई एम वेरी हैप्पी बहुत बहुत खुश हो रही है. ओके और इसके अलावा यू नो अगर बात करूँ मैं उजला चमन के साथ में जो कंपैरिजन हो रही है आई थिंक अब हम क्यों बात करेंगे उस बारे में हो ही गई है लेकिन एक्टर्स मतलब अच्छी एक्टिंग कितनी ज़्यादा मैटर करती है बिकॉज यू नो एक्टिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है फिल्म में अगर बात करें तो. मैम एक फिल्म का सक्सेस होना सभी का टीम वर्क होता है वो आपकी राइटिंग से शुरुआत होती है. आई थिंक नीरेन भट्ट ने बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं. आमिर कौशिक इज़ अ वेरी वेरी गुड डायरेक्टर. डीनो दिनेश विजन इज़ अ वेरी क्रेडिबल प्रोड्यूसर और जो एक्टर्स हैं ऑफकोर्स आयुष्मान भूमि सौरभ सर सीमा मैम अभिषेक बैनर्जी आई थिंक एवरीबडी गौतम एवरीबडी हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब. उसी से तो पिक्चर बनती है. How Yam is different from Pari? Like if suppose जैसे हम मूवी में देखा एंड में क्या होता है अगर suppose real life में आपके साथ ऐसा होगा तो would you like to like if your husband would be bald so ऑफ कोर्स मुझे स्पेशली अमर ने बोला था कि देखिए आपको परी की तरह रिएक्ट करना है एज यामी रिएक्ट नहीं करना है तो ऑफकोर्स वाई नॉट. आई थिंक बॉल्ड गाइज जो बॉल्ड मैन होते हैं आई थिंक दे रियली कूल दे लुक रियली कूल एंड द होल आइडिया इन द फिल्म आपने फिल्म देखी नहीं है ना अभी देखिए एग्जैक्टली सो द होल आइडिया इन द फिल्म इज कि जब तक आप खुद से पहले प्यार करें एंड देन एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू लव यू. तो you look amazing you look really you one of the most good looking people we have from media fraternity so तारीफ हो रही है आपके किरदार को लेकर बहुत सराहना हो रही है. थैंक यू. आप अपने आप को रोक रही हैं बता नहीं रही हैं जिस तरह से बताना चाहिए और क्या बताना चाहिए. इंडस्ट्री के दोस्तों ने कैसे रिएक्ट किया द पीपल हु आर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री हाउ दे रिएक्ट. मैं यहाँ थी नहीं एक्चुअली जिस दिन फिल्म रिलीज हुई मैं धर्मशाला में थी. आई वाज एट अ स्टेट इवेंट एंड सडनली बहुत सारे मैसेजेस आना शुरू हो गए कॉल्स मीडिया से भी और मेरे जो कंटेम्प्रेरीज हैं उनसे भी दे ऑल मैसेज एंड सडनली फ्रॉम फिल्म फ्रेटर्निटी मैसेजेस वॉइस नोट स्टार्टेड कमिंग. मैंने कहा ओके सो दैट मीन्स द फिल्म हैज़ ऑफकोर्स मुझे पता था कि इस टाइम स्क्रीनिंग हो रही है रिव्यूज़ हो रहे हैं तो बहुत बहुत आई जस्ट पर्सनली फील लिटिल ऑकवर्ड शेयरिंग कि यू नो सो एंड सो मैसेज एंड एवरीथिंग. ऑफकोर्स कुछ मैसेजेस बहुत ही खास होते हैं आपके लिए एंड बट आई वैल्यू ऑल ऑफ देम एंड मैंने सबको पर्सनली हु एवर्स मैसेज मी फ्रॉम मीडिया फ्रॉम फिल्म मेकर्स टू माई कंटेम्प्रेरीज टू द न्यू अलॉट ऑफ फिल्म फ्रटर्निटी I'm really really thankful to them for आखिरी सवाल आपसे आपने किसी का भी नाम नहीं बताया अगर किसी का नाम बता दें प्लस व्हाट नेक्स्ट. जब मैंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी तो जहाँ तक कॉमेडी की बात करते हैं बहुत कम किरदार लिखे जाते हैं खासकर एक्ट्रेसेस के लिए और इस तरह के किरदार जो जो बहुत बिलीवेबल लगे कोई स्लैपस्टिक नहीं कोई कैरिकेचरिश नहीं बहुत एक ऐसा किरदार जो आपको एंटरटेन करे और आपको आप माने कि वो वही बस किरदार हैं.
एंड द फर्स्ट एक्ट्रेस हु केम इन माई माइंड और हमेशा वो हम सबके जहन में रहेंगे और जो वर्सिटैलिटी है उनकी फ्रॉम चालबाज़ फ्रॉम मिस्टर इंडिया टू फिल्म लाइक सदमा इट वॉज श्रीदेवी मैम शी इज़ अनटच्ड उनका टैलेंट इज़ अनमैच्ड तो सबसे पहले उनका जहन में आया तो जब मैं शेयर नहीं करूँगी क्या पर जब जानवी ने कॉम्प्लीमेंट किया उन्होंने मैसेज किया मुझे बहुत अच्छा लगा दैट हैज़ फॉर मी इट हैज़ अ सेंटिमेंटल कनेक्ट एंड आई एम सो थैंकफुल थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू नाउ प्लीज़ आई वॉन्ट देम ऑल टू एंजॉय इट